यह क्वेश्चन 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक से है, एक्सरसाइज 7.1 का 11 नंबर, जो कि यह फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रेशन का है। डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम इंटीग्रेशन में आते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारा जो है इसमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो हमारा इस तरह का फॉर्मूला था dy/dx/uy/v, लेकिन इंटीग्रेशन में इस तरह का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो क्वेश्चन बनाते समय यह ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आपको ध्यान रखना होगा, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ fx±gx और इंटीग्रेशन ऑफ fx/gx/dx ये फॉर्मूला है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, fx/gx के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में डायरेक्टली नहीं है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, या इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं हो, यानी x स्क्वायर को हम लोग किसी भी तरह से अगर हम रिमूव करके फंक्शन को fx±gx पे कन्वर्ट कर दें तो यह क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये हमारा क्या है, डिवाइड में है, और हम लोग जानते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x³ / 5x² - 4x². अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x का पावर n-m। दूसरी तरह से हम यहाँ पे उस कंसेप्ट को यूज करेंगे, और यहाँ पर देखिए x का बेस सेम है और ये भी x है, ठीक है, तो यहाँ पर 3-2 और प्लस 5x, इसका पावर 2 और इसका पावर भी क्या है 2, तो -2 और -4। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वैल्यू x डिवाइडेड बाय x का पावर n हो तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर n -1, यानी नीचे से ऊपर जाता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2, और इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, 3-2 हमारा क्या बचेगा, x 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 5x का पावर 0 और -4x का पावर -2 dx। अब यहां पर देखिए x का पावर 0 और किसी भी नंबर के अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो एक बार और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x + 5 - 4x - 2 dx। अब इंटीग्रेशन हम प्रत्येक टर्म के साथ ऐड करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dx, उसके बाद हमारा प्लस 5 कांस्टेंट है इसलिए इसको सिर्फ लिख सकते हैं dx, और माइनस
फोर को आगे ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं एक्स टू की पावर माइनस टू डी एक्स। जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन के पहले ले लेंगे। तो यहां पर से देखिए हमारा एक फॉर्मूला है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये फॉर्मूला है ठीक है। तो यहां पर पावर अगर कुछ भी नहीं तो पावर क्या है वन है ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एक्स का पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन प्लस फाइव। अब यहां पर देखेंगे अगर हमारा कोई भी x नहीं हो सिर्फ dx हो इंटीग्रेशन तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो यहां पर इसका पूरा इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा x और माइनस फोर। अब यहां पर देखिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां माइनस टू है तो क्या होता है एक ऐड होता है और उसी से वो डिवाइड होता है प्लस c। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसको क्या लिख सकते हैं ix माइनस 4। अब यहां पर देखिए माइनस 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा x का पावर माइनस 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस c। अब यहां पर से देखेंगे कि अगर x का पावर माइनस 1 n है तो नीचे आकर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 डिवाइडेड बाई x प्लस c। यानी दिस इज फाइनल रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx का। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन u by v के फॉर्म में हो तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे fx plus gx, या कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन हमारा fx divided by gx के फॉर्म में हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे fx plus gx पे और उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।